बड़ी खबर तेलंगाना से सामने आ रही है। पीएम की यात्रा से पहले ही आधी रात को पुलिस ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को उठा लिया। वहीं वर्दी वालों ने उन्हें हाथ पकड़कर घसीटा। बता दें 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना की यात्रा पे आने वाले हैं। इससे पहले पुलिस ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को हिरासत में ले लिया है। पार्टी ने इसे पीएम के कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश बताया है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना की यात्रा से पहले पुलिस ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार को मंगलवार आधी रात को हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने हाथ पकड़कर बंदी संजय सिंह को घसीटा। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस के कर्मचारी किस तरीके से बंदी संजय सिंह को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वहीं समर्थक उन्हें बचाने की कोशिश करते रहे। कुछ देर चली खींचतान के बाद पुलिस अधिकारी बंदी संजय सिंह को गाड़ी में बिठाने में कामयाब रहे और उन्हें थाना ले गए। बता दें बंदी संजय को करीम नगर स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक वहां उनके साथ मौजूद थे। उन्हें नागालैंड जिले के बोमला रामा राम पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बंदी संजय के समर्थकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया है। इस मामले को लेकर भाजपा के राज्य महासचिव प्रेमेंद्र रेड्डी ने कहा है कि बंदी संजय को पुलिस ने आधी रात को हिरासत में लिया है। उन्हें उनके घर से अवैध रूप से पकड़ा गया है। प्रेमेंद्र रेड्डी ने कहा है पुलिस अधिकारियों को सुबह कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी। बंदी संजय सिंह कहां जाएंगे, यह तेलंगाना में पीएम मोदी के कार्यक्रम में बाधा डालने के अलावा और कुछ नहीं है। बंदी संजय की नजरबंदी के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध अब शुरू किया जाएगा। वहीं एक सांसद के खिलाफ आधी रात को ऐसी कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी, अपराध और केस क्या है, वो इसके बारे में हमें कुछ नहीं कह रहे हैं, उन्हें क्यों भूंगिर ले जाया जा रहा है। हम प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर केसीआर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसके चलते ऐसी कार्रवाई की जा रही है, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को तेलंगाना की यात्रा करने वाले हैं। वह सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही वह कई अन्य विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी की रिपोर्ट।